हमने जो भी यहाँ पे गए 5 दिन से मुकाम यहाँ पे रखा है, उसका ऊपर वाले ने हमको एक बहुत ही अच्छा तोहफा आज दिया है। और रायभान जाधव विकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो मेहनत यहाँ पे की वो आज रंग लाई है, और ये बहुत बड़ी हासिलियत हमको मिली है। और उसके लिए हम परवरदिगार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम घर पट्टी और पानी पट्टी तक माफ़ कर देंगे। उस चीज़ को अगर अंजाम देना है तो शहर की जनता जरूर रायभान जाधव विकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे खड़ी रहेगी। आप अब आपके जन्मदिन के दिन शहरवासियों को तोहफा दीजिए, और इस साल का जो आपका MP फंड है कम से कम 2 करोड़ रुपया इस शहर के पीने के पानी के लिए आप देंगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सर देखिए, चमत्कार तो है पॉसिबिलिटी, और हर्षवर्धन साहब की जो शख्सियत है वो एक चमत्कारी शख्सियत है। कुछ वो जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कारी करते हैं। बोलते ही जा रहे कि एड़ा है, पागल है। अरे एड़ा आदमी ऐसा करेगा तभी तो इतिहास घटता है। इनको मालूम नहीं एड़ा आदमी ने करके दिखाया, ये तो अच्छे तो इन्होंने तो करना चाहिए था इतने दिन तक। हंगामी तौर से आपने बुलाया है, ऐसी क्या खुशखबरी बताएंगे आप, जानकारी देंगे आप? महापालिका आयुक्त आज दोपहर से हरसूल का जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वहां पे खुद गए, उन्होंने वहां पे पानी की और वो रिपेयर का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उसके साथ ही जहां जहां पर टैंकर की जरूरत है वहां टैंकर दिया जाएगा, ऐसा ऐलान उन्होंने किया है। और इसकी वजह से शहर के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। उसके साथ ही जहां पर पानी की सख्त ज़रूरत है वहां पे पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो चीज़ आज हुई है ये बहुत बड़ी हासिलियत है। मुझे लगता है कि हमने जो भी यहां पे गए 5 दिन से मुकाम यहां पे रखा है उसका ऊपर वाले ने हमको एक बहुत ही अच्छा तोहफा आज दिया है। और रायभान जाधव विकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो मेहनत यहाँ पे की वो आज रंग लाई है। और ये खुशी जो है ये मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने आज आपको न्योता दिया है। बाकायदा मनपा की ओर से उन्होंने वीडियोस भी भेजे हैं सारे पत्रकारों को, और उन्होंने उनका राइटअप भी भेजा है कि आज क्या क्या काम हुआ है, गए कितने दिनों से शहर के अंदर गंदा पानी आ रहा था ये शहर को पता है, और ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही मनपा आयुक्त 6 दिन भी नहीं हुए अभी कुर्सी में बैठ करके कि वहां पहुंच गए। ये समझदार को इशारा काफी है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हासिलियत हमको मिली है, और उसके लिए हम परवरदिगार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आने वाले समय में कुछ भी शहर को समस्या होगी फिर एक बार हम दोनों मिलके इस शहर के लिए फुटपाथ पे जैसे हम सोए हैं गए 5 दिन, वैसे वापिस सोने को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे, और शहर को हम जरूर हर बार न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। सर इससे घटके सवाल है, आपने पानी की समस्या हल की है लेकिन आज भी शहर में रास्तों पे खड़े पड़े हुए, नंबर एक। नंबर दो, 82,000 बेघर लोग, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि आवाज़ तो उठ रही है, कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन उसका फीडबैक नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों को आना पड़ेगा। जब जब परेशानी होगी शहर को, हर्षवर्धन जाधव का रायभान जाधव विकास आघाड़ी और श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर की जो है वंचित बहुजन आघाड़ी सेवा में खड़ी रहेगी, रहेगी और रहेगी। आने वाले चुनाव में आपका क्या घोषणा है सर, इस खुशी के मौके पर? आज मुझे लगता है कि लोगों को ये जो चीज, जो सबसे जरूरी चीज थी, वो पानी की चीज हम दिलवा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस शहर को जो हमने बात की थी कि हम घर पट्टी और पानी पट्टी तक माफ कर देंगे, उस चीज को अगर अंजाम देना है तो शहर की जनता जरूर रायभान जाधव विकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे खड़ी रहेगी। सर आप देखते हैं कि जब नेताओं का जन्मदिन आता है मुबारकबाद देते हैं राजनीति से उठकर, आज खासदार साहब का जन्मदिन है, कुछ बोलेंगे आप थोड़ा? खासदार साहब को अभी जन्मदिन है तो अभिनंदन तो करना पड़ेगा, जन्मदिन है उनका। किसी का भी जन्मदिन हो तो हम तो अभिनंदन ही करते हैं, बहुत खुशी की बात है। बस ये चाहेंगे कि खासदार साहब, आने वाला अभी जो फंड चल रहा है आपका, आपके पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा निकल चुका है पिछले 3 साल का, आप अब आपके जन्मदिन के दिन शहरवासियों को तोहफा दीजिए, और इस साल का जो आपका MP फंड है कम से कम 2 करोड़ रुपया इस शहर के पीने के पानी के लिए आप देंगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सर इनका लिए सर आप प्रशासनिक अधिकारी से ऐसे में आपकी मुलाकात थी क्या? अरे भाई, मैंने पहले ही दिन उनको बोला था कि जब तक फील्ड पे मुझे कुछ नहीं दिखेगा, आप मेरे स्टेटमेंट देख लीजिए, लेटर तो पहले ही दिन लेके आ गए थे, लेटर की बात नहीं है,
फील्ड पे दिखना चाहिए, मैंने उनको बोला था, फील्ड पे आज दिख गया, मेरा समाधान हो गया। सर वंचित बहुजन गाड़ी की, आपको भी बड़ा इनका सहयोग रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी, ये जो अपने रायबान विकास जाधव और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो आज पिछले 5 दिन से हमारे दादा जो बैठे थे हर्षवर्धन जाधव क्वेश्चन में, वो आज उसको बहुत का फल मिला है, वो 5 दिन की जो हमारी मेहनत थी, इसीलिए आप जो देख रहे हैं जैसा दादा ने बोले है कि कमिश्नर साहब ने जो है पानी के पूरे जो मसले थे उस पर काम शुरू कर दिया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी जो है कामयाबी हमारे लिए, तो इसके लिए हम जो है जनता का भी और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमने जो है हमने आंदोलन किए उसको आप लोगों ने मीडिया ने कवरेज दिया और वो बात शासन तक पहुँचाई, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दादा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। और इसके अलावा जो भी है जो टैक्स को लेकर जो हमारी है, ये देखिए ये जो मूवमेंट है, ये जो चढ़वाड़ है, ये जब तक टैक्स माफ़ नहीं होती जब तक ये रुकने वाली नहीं है कुछ, हम इस पर कंटिन्यू फीडबैक लेते रहेंगे, हम हैमरिंग करते रहेंगे कि हमारे जो मुद्दे है, हमारा सबसे बड़ा जो है जब तक जो है पानी कंटिन्यूशन नहीं होता, जब तक पानी का और जो घर का टैक्स है वो माफ़ करने की जो बात हुई थी वो है, लेकिन हमारी दूसरे जो मुद्दे थे उस पर काम शुरू हो गए, और जब तक ये टैक्स माफ़ नहीं होता, जब तक काम ये पानी शुरू नहीं होता, जब तक जो है रायबान विकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ इसी लोगों के जनता के समस्याओं के लिए लड़ती रहेगी। सर इससे हटके एक मिनट, सर इससे हटके सवाल पूरा औरंगाबाद शहर में चर्चा चल रही है जी कि बाला साहब जो तो इनको आने वाले लोकसभा में चेहरा पेश करने वाले, बहुत जमकर चर्चा छड़ी साहब, कहाँ तक सही है? देखिए ये जो है लोकसभा आने दीजिए, अभी तो विधानसभा है, महानगर पालिका है, उसके बाद देखते हैं कुछ, उसके बाद देखते हैं ना कुछ लोकसभा कुछ। देखिए चमत्कार होंगे जैसे एमएम के साथ हुआ था आपका? देखिए चमत्कार तो है पॉसिबिलिटी, और हर्षवर्धन साहब की जो शख्सियत है वो एक चमत्कारी शख्सियत है कुछ, वो जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कारी करते हैं, तो ये चमत्कार से इनकार नहीं है। आप तो बस मेरा आने वाले समय में एमपी की रेस भी है, आप समझ जाइए, जैसा दादा ने बोले अकलमंद को इशारा काफी है। मेरा आपसे सवाल है, हमारा पायोग की और आपकी जो तो 136 के ऊपर बंद कमरे में क्या चर्चा हुई, उस पर रोशनी डालिए। बंद कमरे में चर्चा नहीं हुई, काफी पत्रकार वहाँ पे थे। 136 कलम जो है वो ये है कि अगर आप पानी ठीक से नहीं दे रहे तो आप पानी का टैक्स नहीं दे सकते, ये 136 कलम है, और वो भी महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम के तहत है, वो अधिनियम की बात कर रहे थे, हमने उनको अधिनियम ही बता दिया। तो जब उनको ये बात समझ में आ गई कि हम लोग पैसा नहीं ले सकते हैं, कानूनी बात हो गई, तब भागा दौड़ी चालू हो गई। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन काम हो रहा है जनता का, अब पानी अच्छा आएगा, हम उससे बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे हैं और खुश हैं हम, और महापालिका आयुक्त का हम अभिनंदन करते हैं। एमआईएम इसका विरोध कर रही, उस पर क्या बोलेंगे आप? काय को विरोध करेगा, अच्छे पानी आने को एमआईएम विरोध कर रही? क्या बात कर रहे हो मैडम? आप एक महिला है, जब पानी की बात आती है तो महिला को पता होता है कि कोई कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, बच्चों को नहलाती धुलाती है, कैसा लगता है प्रश्न छूटने के बाद? आप एक महिला के तौर पर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि रायबान जाधव आघाड़ी की वजह से ये मसला हल हुआ है। हर्षवर्धन दादा ये मसला उठाते नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ये कर सकता था। उन्होंने ये मसला उठाया और हम जैसे औरतों को और औरंगाबाद को न्याय मिला, मैं बात से भी बयान नहीं कर सकती कि ये खुशी कितनी है मेरी तरफ से। ठीक है, अच्छा मैडम, कॉर्पोरेशन ने क्या आश्वासन दिया, उस पर दो शब्द बोलिए। क्या बोलिए? मनपा ने क्या आश्वासन दिया, उस पर दो शब्द बोलिए। सर मनपा का मुझे नहीं पता है, सर को पता है। अच्छा सर, एक एक मिनट, मराठी में मैडम, जाधव साहब रोड पे 5 दिन सोए, रोड के किनारे सोए, एक इतना बड़ा आमदार, माजी आमदार, इसकी कोई कमी नहीं है, रास्तों पे लेटा है, मच्छर काट रहे हैं, परेशानी हो रही है, कैसा देखते हैं इनके कार्य को आप? ये आज तक तो किसी ने नहीं किया है। मुझे लगता है कन्नड़ से जो आदमी यहाँ आ रहा है हमारे लिए लड़ रहा है, ये यहाँ के आमदार जो खासदार है इन्होंने करना चाहिए था, लेकिन कन्नड़ का जो माजी आमदार कर रहा है उनसे भी इनको तकलीफ है कि ये कुछ नहीं कर पाए, और वो बोलते ही जा रहे कि एड़ा है, पागल है। अरे एड़ा आदमी ऐसा करेगा तभी तो इतिहास घटता है, इनको मालूम नहीं एड़ा आदमी ने करके दिखाया, ये तो अच्छे तो इन्होंने तो करना चाहिए था इतने दिन तक, ये चुन के आए तो 3 साल हो गए, इन्होंने तो मुंह भी नहीं दिखाया अपना, बर्थडे है तो बर्थडे साजरी करे आज, इन्होंने पानी का मसला, रोड का मसला, खड्डे हो गए, पानी कितना गंदा आ रहा, कभी आके भी नहीं देखा औरंगाबाद में कि क्या मसला है, औरंगाबाद के पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है आज तक। अच्छा मैडम, आप आने वाले लोकसभा में आप चाहेंगे कि दादा जो तो एक एमपी के रूप में दिखे, आपकी भावना? सभी महिला चाहेगी कि ऐसा आदमी
सच में एमपी बने। थैंक यू।